नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है और आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। बचपन में आपने एक कविता जरूर पढ़ी होगी, सुनी भी होगी। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक। इस कविता में एक प्रसंग और आता है, मगर राह में चीते शेर लेते थे राही को घेर। ऐसा ही कुछ हाल बना है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में, जहाँ पर पिछले 27 दिनों से एक बाघ घूम रहा है और जिसे निजात पाने की तरकीब वन विभाग की टीम भी नहीं निकाल पा रही है। कंकाल मिलते हैं, पंजे के निशान मिलते हैं, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो है बाघ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के मनघटा स्थित वंदना केंद्र के पास 27 दिसंबर को एक शेर देखा जाता है। गांव में हड़कंप मचता है, खबरें चलती हैं, वन विभाग का अमला पहुंचता है, चौकन्ने रहने की हिदायत दी जाती है और बाघ इस बीच मनघटा क्षेत्र से निकलता है, भर्रे गांव शिवनाथ नदी को पार करते हुए बालोद वन मंडल पहुंचता है। बालोद में दहशत का माहौल बरकरार है। 27 दिनों से एक बाघ ने धमा चौकड़ी मचा रखी है। कहीं से बाघ को भोर में देखने की खबर आती है तो कहीं बाघ द्वारा गांव में मवेशियों के शिकार किए जाने की बात होती है। जिस बाघ को वन विभाग बरही व गरूर बड़भूम जंगल में तलाशती है, पता चलता है कि अब वह 20 किलोमीटर दूर डोंडी ब्लॉक के ग्राम चिहरो आमाडुला तक पहुंच गया है। फिर खबर आती है बालोद वन मंडल से सबसे नजदीक कांकेर वन मंडल पड़ता है और भानु प्रतापपुर वन मंडल का क्षेत्र बालोद से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि अब कांकेर वन मंडल में होगा बाघ का अगला पड़ाव। कहते हैं कि आग से भी पहले अगर कुछ फैलती है तो वो है अफवाह। कुछ ऐसे ही फर्जी वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो लोगों के मन में और दहशत बरकरार किए जा रहे हैं। बाघ आगे चलता है, वन विभाग की टीम पीछे चलती है। कभी वन विभाग की टीम आगे चलती है, कभी बाघ पीछे चलता है। मानो लुका छुपी का ये खेल शुरू हो गया। अब देखना ये होगा कि ये सिलसिला कब तक चलता है, कब तक ग्रामीणों की जान उनके गले तक अटकी रहती है।